नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। मालवा दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन उससे पहले मंदसौर का एक मामला हाई प्रोफाइल बन चुका है और ये मुद्दा लगातार गरमाता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता गुणवंत पाटीदार को झूठे अफीम केस में फंसाया गया है, जिस तरह के आरोप उनके समर्थक और किसान नेता लगा रहे हैं, तो वहीं अगर बात की जाए तो आज ये मामला और गरमाता दिखा। इस पूरे मामले पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक छोटा सा वीडियो सुनाते हैं, उसके बाद इस पूरी खबर पर हम बात करते हैं। कि अगर गुणवंत पाटीदार दोषी है तो इन सारे थ्री स्टारों के नाम डाल दो, मैं कह रहा हूं आपको, ये भी उसके साथ दोषी है। ये पूरा मामला 56 किलो अफीम को लेकर है, जिस तरीके से मंदसौर पुलिस ने कल एक बड़ी कार्रवाई की थी और 56 किलो एक स्विफ्ट कार से जो है डोडा चूरा जब्त किया गया था। उसके बाद इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता गुणवंत पाटीदार का नाम डाला गया था और उन्हें भी आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद ये मामला गरमाता दिखा और आज इस मामले को लेकर मंदसौर पुलिस मुख्यालय पर जमकर कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद, राकेश पाटीदार और किसान नेता और किसान जमकर वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर हल्ला बोल किया। और इस दौरान जो एक तस्वीर हम आपको पहले बताते हैं, छोटा सी तस्वीर बताते हैं किस तरीके से श्यामलाल जोगचंद जो है पुलिस अफसरों से भिड़ते नजर आए, उनके सामने जमकर गुणवंत पाटीदार की पैरवी करते नजर आए। हम आपको ये छोटा सा वीडियो सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आपको अपडेट दिखाएंगे किस तरीके से इस पूरे मामले पर जो है ये हाई प्रोफाइल कैसा बनता दिख रहा है। जैसे ही पुलिस बचा रही थी उस दिन वहाँ तो आपने ये वीडियो सुना किस तरीके से किसान नेता श्यामलाल जोगचंद है, जिन्होंने एक दमदारी से गुणवंत पाटीदार के पक्ष में एक बात रखी, क्योंकि हर बार माना जाता है कि श्यामलाल जोगचंद अफीम किसानों और अफीम के मुद्दों पर को लेकर हमेशा एक्टिव रहते हैं। और आज भी जिस तरीके से उन्होंने राजनीति से उठकर जो है एक मुद्दा उन्होंने उठाया, किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता गुणवंत पाटीदार का एक अफीम के मामले उनका नाम आया था, उन्हें भी आरोपी बनाया गया था, उसके बाद बड़ी संख्या में श्यामलाल जोगचंद अपने समर्थकों के साथ और किसानों के मंदसौर वहाँ पर जो है पुलिस अफसर थे जो उनसे आमने सामने हुए और उनके जमकर जो है इस पूरे केस को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि किस तरीके से पुलिस हमेशा फर्जी केस बनाती है और गुणवंत पाटीदार को भी जो है गलत फंसाया गया है। आप एक बार सुनिए किस तरीके से श्यामलाल जोगचंद ने किस तरीके से कड़े तेवर में जो है अपनी बात रखी। जिस समय उसको फंसाया उस समय जो बूढ़ा के कौन थे वो जिनके दुकान पे बैठे थे तो नहीं चले आ जाओ आज को बोल दिया है बूढ़ा वाले जिनके दुकान पे बैठे अरे वीडियो फोन लगा के धमकी दी थी मुंबई में बढ़ती गोली मार के मर्डर कर दूंगा ये टीआई श्रीवास्तव उस समय भी अखबारों में छपा था उस समय भी ज्ञापन दिया था जैसे ही पुलिस बचा रही थी उस दिन वहाँ हम ये
वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से राकेश पाटीदार सुहासा से उम्मीदवार थे कांग्रेस के, लेकिन वे भी आज जो है एक सख्त तेवर में नजर आए और जमकर जो है पुलिस अफसरों पर वे बरसते दिखे, क्योंकि जिस तरीके से उनका आरोप था कि हमेशा पुलिस फर्जी केस बनाती है और जिस तरीके से राकेश पाटीदार ने कहा कि कुलवंत पाटीदार को झूठा फंसाया जा रहा है, अगर कुलवंत पाटीदार अगर दोषी है तो साथ ही यहाँ के पुलिसकर्मी भी दोषी है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। जहाँ तक अगर बात किया है तो कुलवंत पाटीदार कोई गलत आदमी नहीं है, कोई उसने गलत काम नहीं किया है। अगर आप कुछ चाहो तो मैं अभी एक दो सेकंड के लिए उसको यहाँ बुला सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये बनती है कि जब आप अगर हथियार उठा सकते हो तो हम भी हथियार उठा सकते हैं। इस तरह की बात जो है राकेश पाटीदार ने कही और वे भी सख्त नजर आए, जिस तरीके से हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं और वीडियो सुनाते हैं कि अगर गुणवंत पाटीदार दोषी है तो इन सारे 3 स्टारों के नाम डाल दो, मैं कह रहा हूँ आपको ये भी उसके साथ दोषी है। क्यों? ये सब जानते हैं, वो ये काम कर नहीं सकता, न अगर करता है तो ये सब साथ में रहते, ये भी मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये फालतू पॉकेट की बात है। देखो, एक दस्तावेज़ निकालनी गलत बात है। जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ, आपको अगर लग रहा है कि वो दोषी, मैं भी बुला देता हूँ उसको, कर दो अंदर। पर साहब एक बात बताऊँ, माना होता और जो आपको संविधान ने अधिकार दिए उन अधिकारों को ऐसा दुरुपयोग मत करो कि आने वाले समय में जनता फिर हाथ में पत्थर लाठी उठा के फिर खड़ी हो जाए वापस। मुझे बताओ, एक बात बताओ, मेरा एक ना, देखो साहब, हम सुनो, आप क्या, आपका अधिकारी क्या चाह रहा चौकी वाला? जब आदमी प्रॉपर में है सब कुछ, आप कहो तो हम तो अभी बुला देते हैं उसको। ये बात भी नहीं, कोई चोरी छुप का भग भी नहीं रहा, कोई डरने वाली बात नहीं, कोई 56 किलो कोई फांसी नहीं दे देगी, कोई गोली नहीं मार दोगे, पर आप गोली मार सकते हो तो हम भी हथियार उठा सकते हैं, कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं है। कम से कम कुल मिला के जिस तरीके से मालवा के दौरे पर शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन उससे पहले अगर बात किया है तो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता गुणवंत पाटीदार का मुद्दा, जिस तरीके से उनको 56 किलो अफीम के मामले में आरोपी बनाया, उसके बाद ये मामला गरमाता दिख रहा है और शिवराज सिंह चौहान नीमच दौरे पर रहेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से गुणवंत पाटीदार का मुद्दा जो गरमाता दिख रहा है, क्योंकि गुणवंत पाटीदार वो नेता माना जाता है उस समय सुर्खियों में आए थे जब मंदसौर में किसान आंदोलन हुआ था, उस दौरान जो है कई किसानों की मौत हुई थी, उसके बाद जो है पीड़ित किसानों के परिजनों को गुणवंत पाटीदार ने शिवराज सिंह चौहान से मिलाया था, उसके बाद लगातार ये सुर्खियों में थे। और अब जिस तरीके से एक बार फिर उनके दौरे से पहले जिस तरीके से गुणवंत पाटीदार के खिलाफ एक केस बनाया और उनको दोषी माना गया 56 किलो अफीम में, तो उसे लेकर जो है अब राजनीति भी तेजी से होती दिख रही है। साथ ही अगर बात की जाए तो कांग्रेस के नेता भी गुणवंत पाटीदार के पक्ष में दिख रहे हैं और उनका यह कहना है कि राजनीति से हटकर जो है ये बात है और यहाँ पर इस तरीके से अगर किसी को फंसाया जाएगा तो हम दमदारी से खड़े दिखेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से गुणवंत पाटीदार का मामला अब जो है तूल पकड़ता दिख रहा है, और वहीं अगर बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान 30 सितंबर को नीमच दौरे पर हैं। यह था अब तक का अपडेट। इस तरह का अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।